नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, जीएसटी लागू हो चुका है और 25 जून से लेके 30 जून तक जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जिन लोगों ने इस बीच अपना जीएसटी का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो ये वीडियो उनके लिए है। जीएसटी लागू होते ही कुछ सामान महंगे हो चुके हैं और कुछ सस्ते हो चुके हैं, जिसके बारे में आप तो जानते ही हैं। पर अब सवाल यह उठता है कि जीएसटी किसके लिए जरूरी है, जीएसटी में पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन किसे करवाना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जीएसटी के अंतर्गत हर उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिसका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है। तो चलिए जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाते हैं। जीएसटी में व्यापारियों को हर महीने 3 रिटर्न भरने होंगे, इनमें से 2 ऑटोमेटिक होंगे। रिटर्न के लिए आपको 3 फॉर्म भरने हैं। पहला है GSTR1, महीने के दौरान विक्रय किए गए माल की जानकारी आपको हर महीने की 10 तारीख तक भरनी है। दूसरा है GSTR2, महीने के दौरान क्रय किए गए माल की जानकारी आपको हर महीने 15 तारीख तक भरनी है। तीसरा है GSTR3, क्रय और विक्रय की अंतिम जानकारी टैक्स चालान के साथ आपको महीने की 20 तारीख तक भरनी है। पूरे देश के व्यापारी लोगों के लिए कॉमन पोर्टल www.gst.gov.in है। आप जिस विभाग में रजिस्टर्ड हैं उसके जरिए GSTN ID और पासवर्ड आपको भेजा गया होगा। अनरजिस्टर्ड कारोबारियों के लिए 25 जून को पोर्टल ओपन हो गया है, जो 3 महीने तक खुला रहेगा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप सीधे सीधे अनरजिस्टर्ड की लिस्ट में आ जाएंगे और आपके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप जीएसटी के ऑनलाइन पोर्टल www.gst.gov.in पर लॉगिन करें, जहां आपको 3 प्रकार के फॉर्म भरने होंगे। पहले स्टेप में आपको जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 में 4 प्रकार की डिटेल भरनी है, पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और राज्य का नाम। ये 4 प्रकार की डिटेल भरने के बाद आपका फॉर्म वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको एक TRN नंबर दिया जाएगा। स्टेप 2, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 2 में TRN नंबर फाइल करने के बाद एप्लीकेशन फिल करनी होगी, जिसमें आपको अपनी बिजनेस डिटेल देनी होगी, मसलन ओनर की डिटेल, एड्रेस की डिटेल, बैंक अकाउंट की डिटेल और गुड्स एवं सर्विस से जुड़ी चीजों के नाम आपको लिखने होंगे। स्टेप नंबर 3, इस फॉर्म को भरकर आप डिजिटल सिग्नेचर या EVC के जरिए इसे सबमिट कर सकते हैं। आपकी इस एप्लीकेशन को ऑफिसर के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर 3 दिनों के भीतर प्रोविजनल सर्टिफिकेट देंगे, जिस पर GSTN लिखा होगा। GSTN क्या है? एनरोलमेंट नंबर मिलने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन लगभग आपका तय है। डिपार्टमेंट सेल्स डिटेल सहित कुछ जानकारियां अपलोड करने को कह सकते हैं। इसके बाद एक प्रोविजनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होगा, जो जीएसटी लागू होने के बाद आपका स्थायी 3 नंबर होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए खर्च कितना होगा? अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यह मुफ्त में हो सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। लेकिन अगर आप CA या IT सॉल्यूशन फर्म की मदद ले रहे हैं तो आपको ₹1000 से ₹3000 तक का भुगतान करना पड़ सकता है। फॉर्म भरने में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आपको विभाग जाना होगा, और इसके अलावा किसी भी तरह की परेशानी होने पर आप CBEC मित्रा helpdesk@gst.gov.in पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं, या फिर हेल्पलाइन नंबर 01204888999 या फिर 1800120022 पर कॉल कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर सरकार द्वारा जारी किया गया है व्यापारियों के लिए। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है या कुछ क्वेश्चन है तो आप इन पर कॉन्टेक्ट करके इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जानिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको कौन कौन से काम जरूर करने चाहिए। हर रजिस्टर्ड पर्सन को अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपनी दुकान पर लगाना होगा, जीएसटीएन को अपनी नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा, या फिर इसे कम्युनिकेशन के किसी माध्यम मसलन लेटर हेड, इनवॉइस बिल या फिर मेमो पर लिखना होगा। हर रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक बुक्स ऑफ अकाउंट को जरूर रखना होगा। सामान्य भाषा में इन्हें बही खाता भी कहते हैं। आप बुक्स ऑफ अकाउंट को चाहे कंप्यूटर पर रखें या फिर किसी किताब के जरिए, आपको इनको 72 महीने तक रिकॉर्ड रखना
अनिवार्य है। जीएसटी के अंतर्गत आपको हर माह तय समय पर रिटर्न दाखिल करना होगा ताकि आप 100 रुपए प्रतिदिन के जुर्माने और रजिस्ट्रेशन के कैंसिल होने से बच सकें। यह जानकारी रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया तथा रजिस्ट्रेशन के बाद कौन सी सावधानी रखी जाए इस बारे पर आधारित थी। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।